कितना टाइम सफिशियंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए? तो सफिशियंट अगर एक अच्छे से एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो उसको सर एक मतलब एक साल तो आराम से है, मतलब कम से कम एक साल तो लग जाता है। एक बार मुझे बताओ कि पीडब्ल्यू से आपको कितनी हेल्प मिली? मैं बोल सकता हूँ पीडब्ल्यू से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली। एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है ना सर, वो यहाँ से मुझे एकदम मिला था। ऑल इंडिया रैंक 3 अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, तो पूरा प्राउड फील, मुझे लगता है आपके घर वाले बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। यस सर, पूरा गाँव सर, पूरा एरिया एकदम प्राउड फील कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला, और आज हमारे साथ हैं एसएससी जेईई 2023 के टॉपर हेमेंद्र मौर्य। तो आज हेमेंद्र से पूछेंगे क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही है, किस तरह से क्या रैंक रही है और कौन सा डिपार्टमेंट उन्हें मिला है एसएससी जेईई में। तो हेमेंद्र, कांग्रेचुलेशंस पूरी इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से आपको। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत है, आपके एफर्ट्स हैं जिसने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और काफी टाइम पहले से मैं आपको जानता हूं तो मुझे पता है कितनी मेहनत आप करते हो, और हमारे बैचेस में भी आप एनरोल थे। तो आप बताइए क्या रैंक रही है और मतलब किस डिपार्टमेंट में आपने एनरोल किया है? सर मैंने जो है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में CPWD भरा था, PCWC भरा था, तो मेरी सर रैंक ऑल इंडिया रैंक 3 है, तो मतलब CPWD ही मुझे मिल गया था सर। तो कितने टाइम से, फर्स्ट अटेम्प्ट है ये आपका, कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो? नहीं सर, सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है सर। पिछली बार मेरा मेंस दिया था मेरा, लेकिन कुछ नंबर से रह गया था सर, तो इस बार मैंने फिर से मतलब तैयारी की थी सर, और इस बार हो गया सर फाइनली। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको। और मुझे ये बताओ हेमेंद्र की कितना जरूरी है हमारे पास कि मतलब ओवरऑल कितना टाइम लगना चाहिए किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने में। अगर मैं स्पेसिफिकली एसएससी की बात करूं तो आपने 3 अटेम्प्ट दिए उसके लगातार। हाँ सर। लगता है आपको कि कितना टाइम सफिशिएंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए? सर सफिशिएंट अगर एक अच्छे से एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो उसको सर एक मतलब एक साल तो आराम से है, मतलब कम से कम एक साल तो लग जाता है, क्योंकि एक साल में वो बहुत चीजें मतलब समझते फिर मतलब एक साल मिनिमम हम बोल सकते हैं कि एक साल है। वैसे तो अगर कभी कभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और हम तैयारी करने लगते हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो मिनिमम तो एक साल लगता है। वैसे तो जितना भी सर मतलब हमारे एफर्ट पे डिपेंड करता है, मतलब एक साल तो डेडिकेटेड टाइम चाहिए इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए और एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए एग्जाम के अंदर। हेमेंद्र बेसिकली कहाँ से हो आप, और एक बार हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया लगेगा कि आप कहाँ से हो और कितना कहाँ से आपने 10th की स्कूलिंग करी है, 12th की स्कूलिंग कहाँ से करी है और कॉलेज कहाँ से आपने पास आउट किया है, एक बार थोड़ा बताओ। हाँ सर, मेरा जो 10th है वो CBSE बोर्ड से, मेरे लोकल यही जहाँ का रहने वाला हूँ, निगासन खीरी का, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर की लगता है, निगासन जो है लोकल टाउन है, वहाँ से मैंने 10th और 12th पास किया है, एब्लॉन पब्लिक स्कूल। ओके। हाँ सर, उसके बाद मैंने जो है अपना जो डिप्लोमा है वो लखनऊ से एक कॉलेज है, अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये प्राइवेट कॉलेज है, मैंने यहाँ से जो है 12th के बाद अपना डिप्लोमा कम्प्लीट किया है। ओके, डिप्लोमा से मतलब बीटेक नहीं किया आपने? नहीं सर, बीटेक नहीं कर रहा सर, बीटेक मेरा सर चल रहा था तो बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो भी वो परसुइंग है बीटेक में। अच्छा, बीटेक परसुइंग, तो बहुत बड़ा एग्जांपल है कि बहुत बच्चे कह रहे थे सर डिप्लोमा के साथ हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि डिप्लोमा के बच्चे हमेशा ये फील करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन बीटेक वालों के साथ है, हमारा कॉम्पिटिशन एमटेक वालों के साथ है, तो ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपने सेट किया है बच्चों के लिए और बहुत मोटिवेट, मुझे लगता है डिप्लोमा वाले बच्चे स्पेसिफिकली बहुत मोटिवेट होंगे आपकी इस जर्नी को सुन के, आपकी जर्नी को देख के। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हेमेंद्र ये तो। और मुझे बताओ आपने नॉन टेक्निकल को कैसे डील किया, अगर मैं CBT 1 की बात बताऊं? हाँ सर, नॉन टेक्निकल में सर कुछ बुक्स मैंने मतलब ले ली थी और उसी से मेरा मतलब जो मेरा नॉन टेक है वो कंप्लीट हो गया था। मतलब ज्यादातर आपने डिजिटल मीडिया का भी यूज किया और बुक्स का भी? सर हाँ सर, कह सकते हैं कि डिजिटल और बुक्स दोनों के यूज किया है सर। दोनों का आपने यूज किया। और करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ा या पॉइंटर्स में पढ़ा, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ा या फिर आपने कंप्लीट थ्योरी के फोकस किया? सर मैंने पहले तो मतलब लगातार मैं एक डेली डेडिकेटेड एक घंटे की क्लास होती थी, वो मैं मतलब थ्योरी टाइप का अच्छे से पढ़ता था। उसके बाद जो लास्ट टाइम आया है तो मैंने जो एक वीडियो होती है कि एक एक मंथ की वीडियो हो गई, एक एक हफ्ते वाली वीडियो हो गई, उनको मैंने मतलब पढ़ लिया, तो पहले तो वो डिटेल में पढ़ चुका था, उसके बाद जो क्वेश्चन वाले थे वो कर लिया, तो मुझे आसान लर्निंग है। चलो मतलब कंसिस्टेंटली आपने करंट अफेयर्स और जो जीके वाला पार्ट है उसको कंसिस्टेंटली एक टाइम फिक्स कर रखा था और उसी टाइम मैंने सुबह का टाइम जो है सर, सुबह की क्लास चलती थी, मैं सुबह जो है टाइम फिक्स कर लिया था और लाइव ही मैं सोचा, ज्यादातर मैं जो कोशिश करता कि लाइव अटेंड कर लूं, अगर लाइव ना हो पाता था फिर तो मैं ऑफलाइन करता था। बिल्कुल तो बिल्कुल सही है, मतलब एकदम सही बात है कि कोई एक स्लॉट अगर हम चूज कर लेते हैं डेली तो फिर वो एक ओवर बर्डन नहीं लगता, वो थोड़ा टाइम के बाद मजा आने लगता है, एंजॉयमेंट आने लगता है, स्ट्रेस फील नहीं होता है ना। तो एक अगर हम अपनी सब्जेक्ट रिविजन को अगर हम रूटीन बना लें अपना, तो ये एक अच्छी बात है कि हम बहुत लंबे समय तक टिक सकते हैं उस रूटीन के ऊपर, ठीक है, और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि नॉन टेक को आपने एक सिस्टमैटिक टाइम बाउंड कर दिया ताकि पूरा दिन उस पे आपका वेस्ट ना हो और साथ साथ वो चलता भी रहे। बहुत ही बढ़िया।
एक बार मुझे बताओ कि पीडब्ल्यू से आपको कितनी हेल्प मिली अगर सर, मैं बोल सकता हूँ पीडब्ल्यू से मुझे काफी हेल्प मिली, और मैं बोल सकता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है ना सर, वो यहाँ से मुझे एकदम मिला था, क्योंकि सर यहाँ पे ऐसी चीजें पढ़ाई गई थी जो मैंने अभी तक कुछ चीजें हैं मैंने पढ़ी नहीं थी, अगर यहाँ भी पढ़ी थी तो मुझे समझ में नहीं आई थी, तो उससे मेरे अंदर ये लगता था कि अगर ये चैप्टर आ गया तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, वो चैप्टर आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो मतलब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम हुआ है मतलब पीडब्ल्यू से मुझे, और बिल्कुल वही सीबीटी टू में काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। सीबीटी टू, हाँ सीबीटी टू देखो इस बार पैटर्न चेंज भी हुआ था, हाँ जैसे सर पहले डिस्क्रिप्टिव चलता था, आपने पहले भी मेंस दिया है, आपने डिस्क्रिप्टिव यस पेपर भी दिया है एक बार, तो आपको उसका एक्सपीरियंस है, तो हाँ अब इस सर बार पैटर्न जब चेंज हुआ और सीबीटी टू ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, यस सर तो एक सब जगह ऐसा अनसर्टेनिटी थी कि इस पेपर में आने क्या वाला है, हाँ सर ऐसा पेपर आएगा, सही बात है क्वेश्चन सर। टफ आएगा, क्वेश्चंस आसान आएंगे, ईएस के लेवल को क्रॉस कर जाएगा कि गेट के लेवल के बराबर आएगा, तो ऐसे में आपने क्या अप्रोच रखा, आपने किसकी बात मानी, क्या आपने माइंडसेट बैठाया? मैंने तो सर ब्लाइंडली जो है पीडब्ल्यू को फॉलो किया था सीबीटी टू के लिए, और काफी फायदा मिला मुझे वहां से, क्योंकि यहाँ से जो टीचर जो आप लोग सर पढ़ा रहे थे, तो आप लोगों ने सर देखा था कि एक तो आप मिक्स क्वेश्चन ला रहे थे, उसमें जो है मतलब गेट के क्वेश्चन आप सॉल्व कराए थे सर, और कुछ ईएससी के भी क्वेश्चन जो हार्ड थे वो सॉल्व कराए थे, बाकी जो कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो हमने जो है इसे एई वाले क्वेश्चन है आपने बताया था कि यूपीपीएससी एई के और बाकी एई के आप सॉल्व कर लीजिए, जो मैंने सॉल्व किए वो काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। चलो बहुत बढ़िया है ये सीक्वेंस, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एक वीडियो मैंने बताया था कि हाँ सर यूपीपीएससी के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, यस इंजीनियरिंग सर सर्विसेज पीवाई क्योंकि आपको क्वेश्चंस हाँ करने सर चाहिए, और गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन जनरली यस सर यस है सर ना, इस तरह के मिक्स क्वेश्चन हम लोगों ने सीबीटी टू के बैच में भी, और बहुत सारे बच्चे उस समय ये कह रहे थे सर सीबीटी टू बैच का जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्वेश्चन का हाँ लेवल सर बहुत ज्यादा है, बच्चे उस समय सर ये वो लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि लेवल बहुत हाई था, लेकिन वो लेवल जो आप करा रहे थे सर, तो उससे छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से हो रहे थे सर, वो भी तो कोई मतलब हेल्पफुल हुआ ना सर, कि बिल्कुल आपने जो लेवल हाई लगाया था तो हाई क्वेश्चन तो हो ही रहे थे, उसके साथ साथ जो है जो टॉपिक वाले पार्ट वाले क्वेश्चन थे वो आए भी थे सर, और वही क्वेश्चन हम लोग ने आराम से सॉल्व कर लिया था सर। बिल्कुल 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 सही है हेमंत, तो ये एक स्ट्रैटेजी हमेशा रखनी चाहिए कि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यस डिस्क्रिप्टिव सर वे में अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो छोटे छोटी जो चीजें हैं वो हम बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया लगा यार आपसे बात करके, और बहुत जल्दी से रूबरू और होंगे हम अच्छे तरीके से, यस और सर थैंक बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से आपको, मैनी मैनी यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल इंडिया रैंक 3 अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, तो पूरा प्राउड फील मुझे लगता है आपके घर वाले बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, यस सर यस सर पूरा गांव सर पूरा एरिया एकदम प्राउड फील कर रहा है सर। बिल्कुल पूरा गांव आपका प्राउड फील कर रहा होगा, और हमें भी बहुत प्राउड फील होता है यार कि ऐसे स्टूडेंट जो कनेक्टेड हैं, ऐसे स्टूडेंट जो डेडिकेटेड हैं आप क्लासेस में, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर भी कह रहे थे कि सर हेमेंद्र जो क्लास में रेगुलर आते थे, ठीक है मुझे भी याद है कि आप क्लास में सीबीटी टू वाली क्लास में रेगुलर आते थे, तो बहुत ही बढ़िया है, कंसिस्टेंट एफर्ट है आपका, और ये पूरी पूरी जर्नी आपकी अपनी है, पूरा एफर्ट आपका अपना है, डेडिकेशन अपना है, ठीक है, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से पूरे इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से आपको, थैंक यू सर थैंक ठीक है, थैंक यू सो मच हेमेंद्र।